नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अयोध्या राम मंदिर से। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवान की तड़के संदिग्ध हालातों में गोली लगने से मौत हो गई है। गोली जवान के माथे पर लगी। जवान कोटेश्वर मंदिर के सामने बन रहे वीआईपी गेट के पास तैनात था। बता दें कि राम मंदिर इस स्थान से 150 मीटर दूर था। जैसे ही जवान को गोली लगी, उसके साथ तैनात सुरक्षाकर्मी उसे तुरंत चिकित्सालय ले गया। तत्पश्चात उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। जवान को गोली लगने की खबर के पश्चात मौके पर आईजी व एसएसपी भी पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा था। वह 2019 में पीएससी से एसएसएफ में सम्मिलित हुआ। अंबेडकर नगर के थाना सम्मनपुर के कजपुरा गांव में रहने वाले शत्रुघ्न की अभी शादी नहीं हुई है। उसके 4 भाई और हैं, जबकि पिता की मौत हो चुकी है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसएसएफ को लगाया गया है। उधर पुलिस व फॉरेंसिक की टीम घटना स्थल की तहकीकात कर रही है। जवान के माथे के बीच में गोली कैसे लगी है, इसकी तहकीकात की जा रही है। ड्यूटी पर तैनात साथी सुरक्षाकर्मी से भी पूछताछ की जा रही है, जो उसके साथ था। बता दें कि राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात ये तीसरे जवान को गोली लगी है। इससे पहले इसी वर्ष 26 मार्च को राम मंदिर परिसर में तैनात कमांडो राम प्रताप को दुर्घटनावश गोली लगी थी। वो अपनी AK-47 को साफ कर रहे थे, तभी गोली चल गई थी। उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां उपचार के पश्चात वो ठीक हो गए थे। इसके अतिरिक्त रेड जोन में पीएससी जवान कुलदीप कुमार की 25 अगस्त 2023 को गोली लग गई थी। अपनी सर्विस रिवॉल्वर की गोली से उनकी भी मौत हो गई थी, लेकिन अब ये मौत किस वजह से हुई है, फिलहाल दोस्तों पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन इस गोलीबारी के बाद पूरे अयोध्या में हड़कंप मच गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अयोध्या से। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।